हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पिंकी और पिंकी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आलू और पालक की बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ा बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है चाय के साथ। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकौड़ा बनी है। तो इसको बनाने के लिए हम एक बड़े साइज का आलू लिए हैं और इसको हम कद्दूकस कर लेंगे मोटे वाले पार्ट से। और एक कटोरे में हम पानी रखे हैं और उसमें ही हम कद्दूकस करके आलू को रखेंगे, इसे काले नहीं पड़ते हैं। अब हम पालक को भी अच्छे से वॉश कर लिए थे और ये देखिए हमने पानी में रख दिए थे आलू को। और एक प्लेट मैंने मोटर साइज का पालक कट करके लिए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है पालक को। अच्छे से हम वॉश कर लिए थे। इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से पालक अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दो प्याज, मोटे साइज के हैं, मैंने प्याज कट कर किए हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे पालक के साथ। इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है पकौड़े में और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है प्याज के साथ पालक को। अब हम इसमें आलू को भी पानी से छान के इसमें ऐड कर लेंगे। और 150 ग्राम हम बेसन लिए हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए हैं प्याज और बेसन में प्याज और पालक को। अब हम इसमें 1 चम्मच कुटी हुई धनिया डालेंगे, इसे टेस्ट दुगुना बढ़ जाता है पकौड़े में। आप लोग भी इसको डाल के ट्राई कीजिएगा। आधा छोटी चम्मच हम डाल दिए हैं इसमें मिर्च पाउडर, इसमें डाल देंगे आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें चौथाई चम्मच हम इसमें डाल दिए हैं गोल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चावल का आटा डालेंगे 3 चम्मच हम चावल का आटा लिए हैं, ये ऑप्शनल है, ये थोड़ा पकौड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं इसके लिए हम चावल का आटा इसमें हम ऐड कर रहे हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी होती है, इसको चाय के साथ ज़्यादा टेस्टी बनता है शाम को एक स्नैक। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये देखिए बैटर तैयार हो गए हैं। मैं मिर्च हरी मिर्च डालना भूल गई थी तो मैंने डाल दिए और अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिए हैं और एक एक करके सारे पकौड़े हम इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम पे रखे हैं। मीडियम फ्लेम पे ही पकौड़े को तलेंगे, नहीं तो ज़्यादा फ्लेम पे पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर कच्चे ही रह जाएंगे। ये देखिए एक तरफ से पकौड़े तैयार हो गए हैं तो दूसरी तरफ से भी पलट के हम इसको फ्राई कर लेंगे, तल लेंगे।
हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये देखिए पकौड़े रेडी हो चुके हैं, अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं टिश्यू पेपर लगा दिया था ताकि 3.5 तेल इसमें ऑब्जर्व हो जाएंगे एक्स्ट्रा। बचे हुए बैटर को भी हम तल लेते हैं पकौड़े को। मैंने सारे पकौड़े को अच्छे से तल लिया है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बनी है, आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।